तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung Galaxy A25 5G स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन को 26 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में और इस स्मार्टफोन से जुड़े सभी डिटेल की जानकारी देंगे कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या स्पेक देखने को मिलेगा, कौन सा प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। और दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो इस स्मार्टफोन में वही सेम टिपिकल टाइप की सैमसंग की डिजाइन देखने को मिलता है। इसके बैक साइड में प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलती है, साथ ही ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप के साथ में फ्लैश लाइट की सपोर्ट दिया गया है। तो डिजाइन के में बहुत ही बढ़िया होने वाला है और फ्रंट साइड में यू सेव नॉज कैमरा देखने को मिलता है। तो डिजाइन देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा इस स्मार्टफोन का, सैमसंग के बाकी स्मार्टफोन जैसा ही डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों डिजाइन के बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की फुल HD प्लस की सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। और इस डिस्प्ले में आपको इन्फिनिटी यू सेप नॉइज कैमरा देखने को मिलने वाला है। 1000 निट्स की टिपिकल टाइप की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। तो ब्राइटनेस को लेकर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन में। तो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होने वाला है, सुपर AMOLED डिस्प्ले बेस्ट डिस्प्ले जाने जाते हैं। तो डिस्प्ले को लेकर बहुत ही बढ़िया होगा, कंटेंट वॉचिंग आप बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे इस स्मार्टफोन में। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन में सैमसंग की तरफ से आने वाले एक्जिनोस प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सैमसंग एक्जिनोस 1280 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो की 5 नैनोमीटर पर बेस है। 24 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और आम माली G68 GPU के साथ में आता है। तो परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही बढ़िया होगा, 4.5 लाख के एंटोटो स्कोर को निकाल के देता है। और ये प्रोसेसर सैमसंग के काफी सारे हमें स्मार्टफोन में देखने को मिला है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी M34 5G, सैमसंग गैलेक्सी M33 5G, सैमसंग गैलेक्सी A53 5G और सैमसंग गैलेक्सी A33 5G स्मार्टफोन में हमने ये प्रोसेसर देखा है। तो परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया होगा सैमसंग गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन। तो कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दिया जाएगा इस स्मार्टफोन में सैमसंग गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन में, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS का सपोर्ट रहेगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। और इसके प्राइमरी कैमरा से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा के मामले में बहुत ही बढ़िया होने वाला है, सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का होगा और इसके सेल्फी कैमरा से 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो सेल्फी कैमरा बहुत ही बढ़िया होगा, तो इस स्मार्टफोन से आप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के सेल्फी और वीडियो कॉलिंग वगैरह कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों कैमरा के मामले में बहुत ही बढ़िया होने वाला है और सैमसंग के इस सीरीज के स्मार्टफोन के कैमरा बहुत ही बढ़िया होता है। तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन से हाई क्वालिटी के वीडियो और सेल्फी वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी और चार्जिंग के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में 5000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 35W की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आएगा। तो बैटरी और चार्जिंग को लेकर बहुत ही बढ़िया रहेगा, 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है तो बहुत ही जल्दी से चार्ज हो जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं उधर फीचर के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर, यूजर आईडी सपोर्ट का सपोर्ट, यूएसबी स्पीकर, NFC का सपोर्ट रहेगा। तो फीचर वाइज बहुत ही बढ़िया होने वाला है ये स्मार्टफोन। और इसके अलावा ये स्मार्टफोन रन करने वाला है एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 14 पर। सैमसंग के One UI देखने को मिलने वाला है जिसमें कि आपको बहुत ही सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। और इस स्मार्टफोन में आपको 4 ईयर्स की मेजर OS अपडेट और 5 ईयर्स की सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो सॉफ्टवेयर को लेकर बहुत ही बढ़िया होगा। और अब बात करते हैं रैम ऑप्शन के बारे में। तो ये स्मार्टफोन 2 RAM ब्रांड के साथ में लॉन्च होने वाला है, 6GB एंड 8GB और स्टोरेज ऑप्शन 128GB से लेकर 256GB। और बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो 6GB रैम ब्रांड की प्राइसिंग 20,000 के आसपास देखने को मिल सकता है और वहीं पर 8GB रैम ब्रांड की प्राइसिंग 22,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑफिशियल प्राइसिंग नहीं है मगर इसी प्राइस रेंज में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, सैमसंग गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही बढ़िया होने वाला है ये स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन दिसंबर 26 तारीख को लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों आपका क्या कहना है और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।